नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज और भी लोग, इनसे भी बातचीत करेंगे कि सन डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी ने समाज के लिए क्या भूमिका निभाई है, क्या काम किए हैं, जानते हैं बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनिका है। सोनिका जी, आप डेरा सचो सौदा संस्था को कितने समय से जानते हैं? तकरीबन 2004 से। मैम, सन डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी की समाज के लिए क्या भूमिका रही है, क्या काम किए हैं उन्होंने समाज के लिए? समाज के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। गरीबों के लिए क्या किया है? गरीबों के लिए राशन दान किया है और घर बना के दिए हैं। मैम, हमारे हम देखते हैं मेडिकल साइंस में, आपने भी बताया आपका प्रोफेशन। हाँ, मैं स्टाफ नर्स हूँ। तो मैम, क्या मेडिकल साइंस के लिए क्या काम किए हैं? मेडिकल साइंस के लिए उसके लिए सर उन्होंने खूनदान, आँखें दान, गुर्दा दान, जगह जगह हॉस्पिटल लगाए, कैंप लगाए हैं ताकि गरीबों की हेल्प हो। मैम, सन डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी इंसा का नेचर स्वभाव कैसा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है। पिता है वे हमारे, हम मानते हैं बहुत उनको। उन्होंने क्या किया है समाज के लिए, लोगों के लिए? समाज के लिए उन्होंने सभी कुछ किया है उन्होंने, और इतने सारे समाज सेवा के लिए कार्य किए हैं बहुत ज़्यादा। 3-4 सालों से वो नहीं है समाज? हाँ, 3-4 सालों से नहीं। अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज? अब क्या जरूरत लगती है आपको समाज को? हाँ, और क्या जरूरत ही है उनकी तो बहुत ज़्यादा। जो दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए गए उसके बारे में क्या? वे तो हम नहीं मानते, लोग बोलते हैं पर मैं नहीं मानती। हम अपना पूरा काम वैसे ही करते हैं जैसे पहले करते थे। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे सरकार से? यही कहेंगे कि जल्द से जल्द हमारे पिताजी को रिहा करें और हमारे बीच भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार लड़कियां हमारे साथ जुड़ रही हैं जो बता रही थी किस तरीके से संत जी ने समाज के लिए काम किए हैं, गरीबों के लिए काम किए हैं, और आज भी उनके समाज को सख्त जरूरत है। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत